कानपुर हिंसा में 40 तस्वीरें हुई जारी, 4 के बारे में जानकारी मिली, गिरफ्तारी की लगाई गई पुलिस की टीम। कानपुर उपद्रव के मामले में आज 9 और आरोपियों पर शिकंजा कसा, हिंसा में अब तक 38 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ में एसआईटी की टीम भी रही मौजूद। कानपुर हिंसा में सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा, पेट्रोल पंप पर बोतलों में पेट्रोल भरकर बनाए गए बम, पुलिस ने कार्रवाई की। कानपुर में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया, मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी की पत्नी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थी, पुलिस कर सकती है पूछताछ। बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर ओवैसी ने बीजेपी घेरा, कहा जब देश की हुई बेइज्जती तब जाकर की कार्रवाई। नुपुर पर कार्रवाई के बाद भी जारी है सियासी तकरार, राहुल ने साधा निशाना, बीजेपी की कट्टरता से दुनिया में खराब हुई है भारत की छवि। नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से की धमकी मिलने की शिकायत, एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरनगर में नुपुर शर्मा के समर्थन ने बोली साध्वी प्राची, कहा सच बोलने की सजा मिली। नुपुर शर्मा पर देवबंद के मुफ्ती असद कासमी का बयान, बीजेपी हमेशा के लिए पार्टी से करे निष्कासित, 20 लाख रुपए जुर्माने की मांग। नुपुर शर्मा पर बीजेपी कार्रवाई के बाद वीएचपी की मांग, कहा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर लागू हो ईश निंदा कानून। जम्मू कश्मीर के डोडा के भदरवाह में वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। आगरा में बाइक टकराने के बाद दो समुदाय में जमकर पथराव, झड़प में कई लोग घायल। मुंबई में सलमान खान को मिली धमकी के बाद एक्शन में पुलिस, दर्ज होगा सलमान का बयान, बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान को धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की, कनेक्शन को लेकर दागे कई सवाल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शार्प शूटरों पर गहराया शक, पुलिस को गुमराह करने के लिए 4 राज्यों से बुलाए गए थे शूटर्स। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए 2 गुर्गों से पूछताछ करने धौलपुर पहुंची पंजाब पुलिस, 2 जून को हुई थी इन गुर्गों की गिरफ्तारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की दबिश, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी, कल मानसा जाकर मिलेंगे राहुल गांधी। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट के मामले में 16 साल बाद आया फैसला, गाजियाबाद की कोर्ट ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी। बेजरो के मामले में सरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली कोर्ट ने 10 जून को सुनाएंगे फैसला। राजस्थान की बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जम्मू में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लगाए गए नारे। 15 जून को आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या, उनकी अयोध्या यात्रा की तैयारियों का संजय राउत ने लिया जायजा। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के बाहर पूर्व फौजियों का प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर उठाई आवाज। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को बनाए गए उम्मीदवार, आजम खान ने खुद का नाम का ऐलान किया। आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने रहुआ ने भरा पर्चा, लोकसभा उपचुनाव में ठोक रहे ताल। यूपी विधानसभा और विधान परिषद संयुक्त रूप से राष्ट्रपति ने किया संबोधन, सभी दल के नेताओं ने स्वागत किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले अभिनेता अनुपम खेर, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की शिष्टाचार में। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मांगी वोटिंग की अनुमति, दाखिल की याचिका। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने भरा पर्चा, कहा जनता एक बार फिर देगी मौका। राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई तेज, 10 जून को राज्यसभा के लिए होने वाले चुनावों को लेकर जयपुर के एक रिजॉर्ट में बीजेपी के विधायक शिफ्ट। राजस्थान के भरतपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धनखड़ की जगह सीएम ममता बनर्जी होंगी राज्यों के विश्वविद्यालयों की चांसलर, कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जनसमर्थन पोर्टल की शुरुआत।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आज दूसरी बार लाया गया चंडीगढ़। पीजीआई हेप्टोलॉजी विभाग में भर्ती। रेवाड़ी में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने मांग नहीं पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन का कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। कल से फर्राटेदार दौड़ेंगी गाड़ियां। केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होते होते बची निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर। 31 मई को सामने आया वीडियो। उत्तरकाशी बस हादसे में 26 लोगों की मौत। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज और उत्तराखंड के सीएम ने मौके का जायजा लिया। धामी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहुंचे झारखंड के पलामू। आचार संहिता उल्लंघन मामले में 8 जून को पेश होना है। सवाई माधोपुर में नगर परिषद पर पार्षद ने जड़ा ताला। नगर परिषद के कर्मचारियों से परेशान होकर उठाया कदम। फाजिलका के अबोहर में कर्ज से परेशान होकर किसान ने जान दी। पेड़ से लटकी लाश मिली। यूपी के मिर्जापुर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। हत्या के मामले में 8 साल से फरार था। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अकाली दल ने इंसाफ की मांग की। राजस्थान के झालावाड़ में वेतन नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। एसआरजी अस्पताल में नारेबाजी। दिल्ली में हिट एंड रन का वीडियो वायरल। एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। अर्जुनगढ़ इलाके की वारदात। मथुरा में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का चला डंडा। शातिर अपराधी रोहताश की 22 लाख से ज्यादा की संपत्ति को। मोतिहारी के सुगौली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला पैसेंजर की जान। ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला था पैर। रांची के बिरसा चौक पर करीब कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश। बैंककर्मियों ने सूझबूझ से टली वारदात। भनक लगते एटीएम का शटर गिरा दिया। कैनरा बैंक के एटीएम में दो लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के लिए ये रांची पहुंचे थे। बिहार के लखीसराय में शादी समारोह में मारपिटाई। असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। यूपी के हरदोई में दो भाइयों में झगड़े के बाद छोटे भाई ने घर में लगाई आग। आक्रोशित पिता ने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे की पिटाई की। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दो गिरफ्तार। एक छात्रा ने शिकायत की थी। बिजनौर में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी भाई गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। एक शख्स की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बस्ती में जेल में कैदी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जेल स्टॉप पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में अवैध शराब कारोबारी ने रंजिश में एक समारोह में फायरिंग की थी। एक की मौत हुई थी, एक घायल हुआ था। गांव में नाबालिग लड़की की लाश मिली। रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने की पुलिस जांच कर रही है। शिवपुरी में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार की संदिग्ध हालत में मिली लाश। परिजनों ने लगाया हत्या के आरोप। मध्यप्रदेश के खरगोन में पेट्रोल पंप पर मैनेजर की हत्या। 68,000 रुपए का बैग लेकर फरार हुए दो बदमाश। ग्वालियर में युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए वीडियो वायरल। एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 महिलाओं को छुड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में संपत्ति विवाद में बेटे ने मां और बहन को कर डाली हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में दो गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर, 2 की मौत, 24 घायल। सीकर में नाबालिग लड़की सद रेप, वारदात हुई है, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधेपुर में 4 जून को हुई महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। चंपावत से पकड़ा गया आरोपी। धौलपुर में नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले जा रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, बच्ची को मुक्त कराया। हरियाणा के गोहना में रोड रेज का मामला सामने आया। साइड नहीं देने पर स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने ऑल्टो ड्राइवर पर फायरिंग की, बाल बाल बचा ड्राइवर। हैदराबाद में जिम ट्रेनर को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप, वीडियो वायरल। हैदराबाद में नाबालिग से रेप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मूसलाधार बारिश। बेंगलुरु से लौट रही कार तेज पानी में वही, बाल बाल बची कार सवार शख्स की जान। राजस्थान के सीकर में एक मकान में लाखों की नकदी और जेवरात की चोरी। शादी में गया था परिवार। लखनऊ में डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में डंपर का ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जलकर मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की पीट पीट कर हत्या। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।
महाराष्ट्र के वाशिम में खेत में बने टिन शेड में लगी आग, कई मवेशी और बाइक जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक भागीरथी नदी में गिरा, लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर की जान बचाई। एटा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन को काटकर सेंध लगाने वाले 7 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सहित 2 की तलाश लगातार। फरीदकोट में सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 9 मोबाइल फोन बरामद। रायपुर में लड़के लड़कियों की मारपिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कचरा उठाने वाली गाड़ी ने एक साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत। मथुरा के नौझील इलाके में 20 लाख रुपए का गांजा बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में शराब माफिया शराबी के खिलाफ लोग गोलबंद, गेहूमी में लोगों ने मुहिम छेड़ी। आगर मालवा में 1,30,00,000 से ज्यादा की ज्वेलरी के दुकानदारों में उबाल, सड़क पर उतरकर थाने को घेर लिया। आगरा के सराय ख्वाजा पुलिस चौकी के करीब एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने हंगामा किया, दारोगा पर हमला हुआ। थाने में पत्नी की हत्या, दोषी को उम्र कैद, 2018 में वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे टिकट नहीं होने पर टीसी ने दिव्यांग महिला यात्री से रेप किया, जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ। गुरुग्राम में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 को पुलिस की तलाश। महाराष्ट्र के हिंगोली में ट्रक पर पलटा बारातियों का टेम्पो, 8 घायल, 4 की हालत नाजुक। झारखंड के नेतरहा हाट आवासीय स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया पर उठे सवाल, प्रिंसिपल संतोष कुमार सिंह ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को खारिज किया। आईटीबीपी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 22,850 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास का रिकॉर्ड बनाया, सामने आई तस्वीर। पटना के कुमार में तालाब का कायाकल्प के दौरान करीब 2000 साल पुराना मिला अवशेष, एएसआई जांच में जुटी। रणथंभौर की बाघिन सुल्ताना T107 ने शावक को जन्म दिया, वनकर्मियों में खुशी की लहर। अमरोहा में सरकारी अस्पताल में तैयार अनोखा उपवन, बच्चियों के जन्म लेने पर उसी के नाम से लगाए जा रहे पेड़।